खुले आकाश के नीचे हरी भरी वसुंधरा में आप भीतर की विराट महाशक्ति को उजागर कीजिएगा। लगातार भीतर की राह पर जागे जागे देखते रहना। मेडिटेशन इज जस्ट ए नॉन डूइंग स्टेट एंड यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी इन योर ट्रू नेचर। यू सिंपली वॉच, वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स, वॉच एवरीथिंग विच हैपन्स बिफोर यू इन साइड। सिंपली वॉच, बी वॉचफुल। करना कुछ नहीं, नॉन डूइंग की स्टेट में रहते हुए आप माइंड की डूइंग्स को, माइंड की एक्टिविटीज को, माइंड की तमाम मैजिक को देखते रहना। माइंड के प्रति पूरी तरह अवगत होना, माइंड से थोड़ा हट करके माइंड की गति को देखते रहना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। आप अपने स्वभाव में रहिए और लगातार भीतर की राह पर जगमगाइए। प्रातःकाल की पावन वेला में भीतर की प्रभात उगाए, भीतर के प्रकाश में अंतस यात्रा पर जागे जागे वो सब हालात देखते रहना। सब स्थितियों से अवगत होना जो जो भीतर घटित हो रही है, निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में देखते रहना। देखना हमारा स्वभाव है, देखना एक्टिविटी नहीं है। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो। लगातार निरंतर अपनी ओर जागे जागे रहना, अपनी सुरती में रहना, अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना। बाहर की दोनों पलकें मुड़ते ही आपका देखना उद्घाटित हो जाता है, आपका देखना शुरू हो जाता है। बाहर से भीतर की ओर जरा सा टर्न करते ही जो भी आपके सामने उतर रहा है आप उसको देखते रहना। निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना। तुम अपनी भीतर की हर एक स्थिति के देखने वाले हो जाना, भीतर की प्रकृति को अच्छी तरह भांप लेना। प्रकृति की पावन छटा में अपनी छवि को अच्छी तरह उघाड़ लेना, अपनी छवि को निहार लेना। ये देखना डवाल पो जाए जैसे बाहर की ओर हुआ है जन्म के पश्चात, ऐसे भीतर की ओर भी बहुत नेचुरल वे में ये देखना डेवलप हो जाए तो जिंदगी की बहारों में कमी नहीं रहेगी। जीवन बहुत सुखद स्वस्थ होता है जब मेडिटेशन की बहार उतरती है। अंतस ध्यान की परम धारा में अपने मन का स्नान होने देना। लगातार देखते रहना जो भी हो रहा है, स्वतः हो रहा है उसको देखते रहना। कहीं इंटरफियर नहीं करना, केवल देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, जो भी स्थिति बनी, जो भी हालात उतरे, जो भी विचार उतरे, जो भी थॉट उतरे, आप उसको देखते रहना। बार बार आदतवश हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ये तादात्मय एकमात्र हमको अपने आप से दूर ले जाता है, वर्तमान के पलों से वंचित कर देता है। माइंड हमको हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में लिए जा रहा है। हर वक्त हर घड़ी माइंड इज आइदर इन द पास्ट और इन फ्यूचर।
ये कभी भी प्रेजेंट में नहीं है। वर्तमान के पल एकमात्र तेरा पालना है, तेरा झूला है, तेरा स्वभाव है वर्तमान में रहना। मन का स्वभाव है भूत भविष्य में रहना। आप स्वयं निहार लेना, स्वयं अनुभव कर लेना, स्वयं देख लेना। हम आपको आपका हाल चाल दिखाने आए हैं। हम कितना माइंड के साथ हैं और कितना मास्टर के साथ, हम कितना विचारों में खोए हैं और कितना हम अपने विराट में, ये तुम स्वयं भांप लेना। मेडिटेशन है स्वयं अपने अनुभव से जानना, अपने अनुभव से जानना। लगातार जागे जागे भीतर की ओर, ये कमाई सुरती की, समृद्धि की, रिमेम्बरेंस की, ये कमाई अपने जागरण की, एनलाइटन स्टेट की। तुम शीघ्रति शीघ्र उदीयमान करना। बहुत अनमोल खजाना उतर रहा है प्रकृति की पावन गोद में। तुम जी भर करके बटोरना अपना जागरण, अपनी अवेयरनेस, अपनी रियलिटी को, अपने बैलेंस को, अपने स्वभाव को बहुत अच्छी तरह संभाल लेना। संभलना, संभालना अपने आप को, अपने पे दया करना, अपने पे करुणा करना, अपने पे कृपा करना, अपने पे रहमत कमाना, अपने अंधेरों को सर्वप्रथम विदा करना, अपनी एनलाइटन स्टेट को उपलब्ध होकर के जीना, ये तेरा धर्म है, यही एकमात्र तेरा स्वभाव है। स्वधर्म में रहना, अपने स्वभाव में रहना। तुम जागे जागे रहना, दोनों ओर जागे जागे जीना टोटलिटी है, टोटल लाइफ है, कहीं अधूरापन ना रह जाए जीवन जीने में। दोनों ओर जागे जागे अपनी संपदा, अपना शिखर संभालना। भीतर आप जो भी देख रहे हो वो आपकी अपनी फीड की हुई है, वो अपनी बाहर से जो जो फीड किया है जाने अनजाने में, वो सब लेयर्स बाय लेयर्स तेरे सामने आएगा। और जितना आप इसको निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखोगे उतना ही विसर्जित होता जाएगा। ये सब यूजलेस थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, जाने अनजाने तूने भीतर फीड किया है, यही एकमात्र तेरे समक्ष आ रहा है। आप इनको विसर्जित करने के लिए जो तेरी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण बने हैं, इन सब को विदा करने के लिए तुझे कुछ करना नहीं है, तुझे केवल जागे जागे इन सब को देखते रहना है, जो जो तेरे समक्ष, तेरे सामने घटित हो रहा है। आप न्यूट्रल एनर्जी होकर के इन सब को देखते रहना। बहुत प्रैक्टिकली अपनी ओर जागिए, जागना जीवन है। बहुत प्रैक्टिकली अपनी ओर जगमगाइएगा, अपनी थर्ड आई को अवसर दीजिएगा, देखने की क्षमता को अवसर दीजिएगा। जैसे बाहर देते हो ऐसे भीतर थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ी प्यास अपनी ओर जगमगाने की। तुम महत्वपूर्ण बना लीजिएगा, बहुत बैलेंस, बहुत संतुलन अपने आप उतरता चला आएगा। थोड़ा सा मन से आजाद होकर के जी लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम तुम्हें दुखदाई नहीं बना सकती, सब हल होता जाता है, सब सॉल्यूशन में उतरता है। सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। सब अपने आप स्वतः ही आप अनुभव करोगे। थोड़ी अपनी सुरति, अपनी समृद्धि, अपनी रिमेम्बरेंस में रहिएगा कि मैं हूं देखने वाला, दृष्टा हूं, अकर्ता हूं। रियलिटी है या एक्चुअलिटी है, ये
तनिक मात्र भी कल्पना नहीं है। आप स्वयं अपने अनुभव से जीना, अपने स्वभाव में थोड़ा सा रहना, धन्य धन्य हो जाओगे। करना चरण से तुम दूर मत करना चरण से। अपनी ऑरा, अपनी वाइब्रेशन, अपनी संगति, अपने सानिध्य से दूर मत करना, नहीं तो मैं आनंद से वंचित हो जाऊंगा। अपने स्रोत से जुड़े रखना, अपने आकाश से जुड़े रखना, अपने विराट से मुझे जोड़े रखना, अपने आप में मुझको उतारे रखना, अपने आप में मुझे अंतर्गत किए रखना, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा, भटक जाऊंगा। गुरु शिष्य के संवाद में प्यास बढ़ती है, प्यास उतरती है, जो एक दिन परमात्मा बन जाती है, एक दिन प्रज्ञावान बना देती है। सारी नॉलेज का, सारे ज्ञान का भंडार उतरता है, वहीं उतरा है विश्व का ज्ञान विज्ञान, दुनिया का माना हुआ स्रोत आत्म तत्व ज्ञान का, आत्म तत्व अनुभव का। अनुभव के पश्चात जो शब्द बनकर के उतरा उसको आत्म ज्ञान कहा, आत्म अनुभव प्रथम, आत्म ज्ञान बाद में। आत्म ज्ञान किताबी है, आत्म अनुभव प्रैक्टिकल है, जीवन है, विराट अस्तित्व है। एकमात्र तेरी स्थिति है, तेरा अस्तित्व है, तेरी एग्जिस्टेंस है, तेरी रियल नॉलेज है आत्म अनुभव। आत्म अनुभव जब शब्द बनकर के बाहर आता है, किताब बन जाता है, शास्त्र बन जाता है, वो एक्सप्लेन करता है शब्द, किंतु इनएक्सप्लेनेबल है। बहुत बहुत बताया मैंने, बहुत बहुत बताया अर्जुन तुझको, किंतु अभी बहुत रह गया जो बताया नहीं जा सकता। जो मौन पूर्वक चखा जाता है, जो बताया नहीं जा सकता, फिर भी बहुत बहुत बताया है तुझको, किंतु बहुत रह गया है जो मौन में, शांत मुद्रा में, भीतर जागे जागे जाना चाहता है। वो स्वाद है, टेस्ट है, उसका कोई शब्द नहीं बन सकता, उसको शब्द कैरी नहीं कर सकता, उसका अनुवाद नहीं हो सकता, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। वो ऐसा स्वाद है जिसको शब्दों में नहीं उतारा जा सकता, केवल अनुभव में चखा जाता है। उसी में डूबे रहने की एक महान प्यास, प्यासे दीवाने रिंदों को जब पकड़ती है, तो अपने मुर्शिद के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने जागे पुरुष के प्रति, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति नित पुकार उठाता है। दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से। तुम दूर मत करना चरण से,
दूर मत करना चरण से, उड़ीसा आसाम की तरफ भेजे गए हैं विवेकानंद थोड़े दिनों के लिए मेडिटेशन प्रदान करने के लिए, परंतु जैसे ही पता चला गुरु की बीमारी का, गुरु के रोग का, गुरु की अस्वस्थता का, भाग्य वापस लौटे, डुबो दिया अपने आप को उसके दामन में। एक पल के लिए भी जाना बहुत मुहाल, बहुत दुख। बहुत सुंदर उस समय विवेकानंद यही भाव गुरु के आगे, कितना अनन्य प्रेम, अनन्य भाव, अनन्य भक्ति है गुरु शिष्य के बीच। कितनी यूनिक एग्जाम्पल है गुरु भक्ति की, गुरु प्रेम की, जीती जागती लिविंग एग्जाम्पल है, गुरु कृपा के पात्र है। एकमात्र अनन्य भाव में डूबे हुए नरेन विवेकानंद, क्या कसम भाव उठाया, शब्दों में प्रार्थना किया, दूर मत करना चरण से, छोड़े कर संसार सारा, छोड़े कर संसार सारा, हे लिया तुम्हारा सहारा, हे लिया तुम्हारा सहारा, छोड़ कर संसार सारा, हे लिया तुम्हारा सहारा, हे लिया तुम्हारा सहारा, यदि ना ठोर मिली यहाँ, यदि ना ठोर मिली यहाँ भी, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यदि ना ठोर मिली यहाँ, फिर क्या मिला इस मनुज तन से, दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण, तुम दूर मत करना चरण से, इधर नरेंद्र डूबे हैं अपनी प्यास के आलम में,
उधर भाई लहना डूबा है। 7 साल हो गए घर छोड़ करके, परिवार की तरफ मुख मोड़ करके, पीठ दे करके गुरु नानक देव के पास रहते हैं, परंतु उनके सामने आते भी नहीं, कहीं घर ना भेज दे। उनके निकट जाते नहीं, केवल सेवा में डूबे रहते हैं, जोड़ों की सेवा करते हैं, प्याओं की सेवा करते हैं, पानी पिलाते, आती जाती संगत की सेवा में डूबे रहते हैं, और जब जब संगत बैठती है छुप के बैठते हैं, सामने नहीं आता। किंतु उस जानी जान गुरु अंतर्यामी सर्वज्ञ गुरु के सामने भला क्या छिपा है। 7 साल लगातार लहना घर नहीं गए, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में कहां ननकाना साहब गुरु के द्वार पर डूबते चले गए, मिटते चले गए, सेवा साधना की मूर्ति बनते चले गए। वो भी हृदय में तड़प तड़प के यही कहते हैं, कलुष जीवन धन्य होगा, भटका जीवन शांत होगा, कलुष जीवन धन्य होगा, पापी जीवन पुण्य होगा, कलुष जीवन धन्य होगा, स्वप्न शत अक्षुण्य होगा। कलुष जीवन धन्य होगा, स्वप्न शत अक्षुण्य होगा। छू सकूं प्रिय पग तुम्हारे, धो सकूं प्रभु पग तुम्हारी, प्यास की सजल नयन से दूर मत करना चरण से, धो सको प्रिय पग तुम्हारी, विरहा की सजल नयन से दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना शरण से। रामकृष्ण की छाती से चिपका हुआ नरेन विवेकानंद होने वाली बड़ा बाजार के लोग जब बाबा का दर्शन करते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं, बाबा देखने में इतना अच्छा नहीं, बहुत गंवार लगता है, देखने में तनिक मात्र भी कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई आकर्षण नहीं शरीर में, परंतु नरेन के लिए वो देवों का महादेव है, वो स्वयं परमात्मा है साक्षात, उसके लिए वो अति सुंदर है, अति सौंदर्य से ओतप्रोत है,
सुंदरता की पावन पवित्र महानतम मूर्ति उसकी नजरों से कोई देखे, जैसे लैला की नजरों से मजनू को कोई देखे, या मजनू की नजरों से कोई काली काली लैला को देखे, मजनू की नजरों से देखे कितना सौंदर्य है उसमें। ठीक कोई नरेन की नजरों से देखे बाबा राम कृष्ण को, कितनी सुंदरतम सौंदर्य की मूर्ति है वहां, कितना आकर्षण है उसके लिए। कोई उसकी नजर से देखे जिस नजर में प्यास है, दर्द है, पीड़ा है, व्यथा है। कोई आठ गुबड़ों वाले अष्टावक्र को कोई राजा जनक की आंखों से देखे तो वो अष्टांग योग है, अष्टांग योग की प्रतिमूर्ति है, जीती जागती महान मूर्ति है अष्टांग योग की। नरेन कितना सुंदर कायता, उधर लहना कितना सुंदर भाव निर्मित करता है। यदि तेरी इच्छा चितवन में, यदि तेरी इच्छा चितवन में पले मेरा ये क्षुद्र जीवन, पले मेरा ये क्षुद्र जीवन, पले मेरा ये क्षुद्र जीवन। यदि तेरी इच्छा चितवन में पले मेरा ये क्षुद्र जीवन, पले मेरा गिरा गुजरा जीवन। यदि तेरी इच्छा चितवन में पले मेरा ये क्षुद्र जीवन, पले मेरा ये क्षुद्र जीवन। तो हे अटल विश्वास मुझको, हे अटल विश्वास मुझको, हे अटल विश्वास जीवन छीन लूंगा मैं मृत्यु से, छीन लूंगा मैं यमदूत से। हे अटल विश्वास जीवन छीन लूंगा मैं मृत्यु से, छीन लूंगा मैं मृत्यु से। हे अटल विश्वास, हे अटल विश्वास जीवन छीन लूंगा मैं मृत्यु से। गर दूर मत करना चरण से, तुम दूर मत करना, तुम दूर मत करना चरण से, दूर मत करना नजरों से, दूर मत करना चरण से, दूर मत करना चरण से।